सबसे पहले तो मुबारक हो आप सभी टेस्ट प्रेमियों को इंडियन क्रिकेट टीम के जितने भी फैंस हैं उन सबको बहुत ही अच्छी जीत मिली है क्योंकि न्यूजीलैंड हम तीन जीरो से हारे थे और काफ़ी शर्मनाक हार थी और वो हार जो थी वो मुझे ऐसा लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंस और थकान की हार थी और कई बार हार के कुछ सबक मिलता है तो वो सबक मिला है हमारी टीम को और काफ़ी अच्छा लगा कि ये जीत देख के जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्द में उन्होंने हासिल की है तो आज सोचा उसी बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए हमारे दर्शकों के साथ इंडियन टीम क्रिकेट टीम के चाहने वालों के साथ फैंस के साथ क्रिकेट लवर्स के साथ और टेस्ट मैच लवर्स के साथ तो सोचा आज थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए तो शुरू करते हैं देखिए बात बातचीत इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2024-25 टेस्ट मैच सीरीज़ बीजीटी टी बॉर्डर कबर्स का ट्रॉफी और पहला टेस्ट पर्थ बड़े बड़े स्टार्स बाहर रोहित शर्मा बाहर मोहम्मद शमी इंजर्ड गिल चोटिल हो गए तो काफ़ी सवाल उठे कि क्या टीम कॉम्बिनेशन खेलेगा इंडिया ए के लिए कुछ खिलाड़ी गए हुए थे उनको रोका गया तो काफ़ी सवाल उठ रहे थे लोगों के लिए क्या कॉम्बिनेशन खिलाया जाए राहुल पे भी राहुल की परफॉर्मेंस पे भी पहले काफ़ी सवाल उठाए गए थे तो दिन शुरू होता है टॉस से तो टॉस जीते हमारे कप्तान जसप्रीत बुमराह और बुमराह भाई ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया उनका लॉजिक ये था कि उन्होंने 2018 में भी यहाँ पे एक टेस्ट मैच खेला था उससे सीख के इन्होंने बैटिंग लेने का फैसला किया लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स भैया सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो देखिए होते ही क्रिटिक्स हैं रिश्तेदारों की तरह होते हैं वो क्रिटिक्स मतलब कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ करना ही करना है तो बुमराह ने जब बैटिंग ली और विकेट गिरना शुरू हुए तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि डिसीजन सही नहीं है और गलत डिसीजन ले लिया बट कई बार आदमी को वक्त को जवाब देने चाहिए कि वक्त जवाब दे आपका आपको ये वेट करना चाहिए वही हुआ इंडियन क्रिकेट टीम के साथ तो इंडियन क्रिकेट टीम जो पहली इनिंग खेली उसमें देखिए काफ़ी अच्छा रोल रहा के एल राहुल का काफ़ी अच्छी इनिंग थी और जो छब्बीस रन की इनिंग थी अनलकी आउट हुए थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था मेरा मानना है बट वो जो छब्बीस रन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे काफ़ी महत्वपूर्ण छब्बीस रन थे वो उसके बाद ऋषभ पंत आए तो ऋषभ पंत तो आप सब जानते हैं कि खेलने का तरीका कैसा है उन्होंने अपना अच्छा काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और इस मैच में दो लोगों के डेब्यू हो रहे थे एक हमारे नितीश रेड्डी जो कि रिसेंट आई से काफ़ी नज़रों में आए थे और एक हर्षित राणा वो भी आईपीएल में परफॉर्मेंसेस देके काफ़ी नज़र में आए थे तो दोनों ने अपना अपना डेब्यू किया और मैं मानता हूँ कि दोनों का डेब्यू काफ़ी अच्छा भी रहा तो बात करते हैं पहले फर्स्ट इनिंग की बैटिंग की नीतीश रेड्डी की काफ़ी सेंसिबल बैटिंग उनको देख के ये नहीं लगा कि यार ये बंदा पहला टेस्ट मैच खेल रहा है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया जैसे पेस अटैक के खिलाफ तो काफ़ी तारीफ एक काबिल परफॉर्मेंस नितीश रेड्डी की और उनके बदौलत एक स्कोर बना डेढ़ सौ का जो एज अ फैन खुद डर लग रहा था कि यार बहुत कम है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी लीड ले लेगी ले बट जैसा कि हमारे सिराज भाई कहते हैं कि जस्सी भाई कुछ भी अचीव कर सकते हैं और जस्सी भाई इज़ अ गेम चेंजर तो जस्सी भाई ने वही किया सेकेंड इनिंग की शुरुआत करी फर्स्ट सॉरी फर्स्ट इनिंग की शुरुआत करी ऑस्ट्रेलिया की और आते ही जो सबसे पहले उन्होंने स्विनी को एल बी पकड़ा फिर ख्वाजा को लिया फिर सिराज भी आ गया जोश में क्योंकि सिराज की फेवरेट जगह उनका डेब्यू हुआ था पिछले सीजन में यहाँ पर जो बी जी का पिछला सीज़न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था काफ़ी मेमोरेबल सीज़न रहा था सिराज के लिए भी वो और काफ़ी इमोशनल भी रहा था और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही थी और तजुब की बात ये थी कि वो सबसे यंग पेसर थे उस टीम में और टूर ख़त्म होते होते वो उस पेस अटैक के लीडर बन गए थे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था सिराज जो है वो वहीं ग्रूम हुए थे मैं मानता हूँ तो शुरुआत ऐसे हुई कि भाई ने अपना कमाल दिखाया पाँच विकेट लिए हर्षित राणा ने अपना डेब्यू किया था जैसे मैंने आपको बताया तो हर्षित राणा ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी तीन विकेट उन्होंने लिए सिराज ने भी कंट्रीब्यूट किया थोड़ा सा सिराज आउट ऑफ तो फॉर्म चल रहे थे इंडिया में काफी लोग उनकी भी उनको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि सिराज को बाहर कर देना चाहिए सिराज परफॉर्म नहीं कर पा रहे और आउट ऑफ तो फॉर्म चल रहे हैं बट आउट ऑफ फॉर्म अगर कोई बंदा होता है तो उसको बाहर करना सोल्यूशन नहीं होता उसका उसके साथ पेशेंस दिखाना पड़ता है आपको तो वही किया हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लेके खेले और 104 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट किया 46 रन की काफ़ी इंपॉर्टेंट लीड और पिच जो है वो भी अपना रंग बदलना शुरू कर चुकी थी फिर बात करते हैं इंडिया की सेकेंड इनिंग्स की तो देखिए सेकेंड इनिंग में जो मेरे हिसाब से जो इस टाइम उबलता सितारा है जैसे हमारे एक दोस्त कहते थे उबलता सितारा उभरते सितारे को तो जैसे हमारा एक उबलता सितारा हैं यशस्वी जयसवाल उन्होंने कमाल की पारी और इस बंदे का तो मैं फैन हूँ मतलब आप ये देखिए कितना सिंपलिसिटी के साथ ये खेलते हैं और कितना स्टाइलिश क्रिकेट गेम है इनका और कभी इनके चेहरे पे आप कुछ एक्सप्रेशंस नहीं देखेंगे कभी गुस्सा करने नहीं देखेंगे बहुत पोलाइटली खेलते हैं तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं काफ़ी मंजे हुए प्लेयर हैं अपने आपको प्रूफ किया इन्होंने वेस्ट इंडीज़ में प्रूफ किया इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में प्रूफ किया ये यहाँ की इनकी पहली सीरीज थी पिछली इनिंग में जीरो पर आउट हो गए थे उसके बाद आए इन्होंने बाउंस को समझा गेम को समझा स्टार्क पैट कमिंस कमिजो सेजरवुड जैसे बॉलर्स के सामने अपना टेम्परामेंट संभाल के रखा कंपोजर रखा और देखिए कैनिंग खेली ये एक सौ एकसठ रन की नहीं और उसी की तरह एक और इंपॉर्टेंट इनिंग खेली गई जो खेली के एल राहुल ने सेवेंटी सेवन रन बनाए उन्होंने लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट इनिंग क्योंकि जितना भी प्रेशर था जो आगे के बल्लेबाजों पर आ सकता था क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड में जो सीरीज़ हम हारे उसकी बहुत बड़ी वजह यह रही है कि इस उस सीरीज़ में हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाए कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि मैंने जितना एनालाइज़ किया है हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है अगर उसमें से कोई परफॉर्म करता है तो वो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर पर कम प्रेशर आ जाता है और वो ज़्यादातर सीरीज इसलिए हम जीत भी जाते हैं तो इंग्लैंड सीरीज़ और न्यूजीलैंड सीरीज़ हम इसीलिए हारे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में देखिए शुरुआत अच्छी हुई है अभी हाल फिलहाल तो कि राहुल ने सेवेंटी सेवन पर किया पतिकल ने को भी जगह मिली थी गिल की जगह पे उनको ट्राई किया गया था बट उनको खासा इंप्रेस नहीं कर पाए बट ठीक है उनका पच्चीस का कॉन्ट्रीब्यूशन था विच इज़ ऑल्सो डिसेंट फिर बात करते हैं देखिए किंग कोहली की जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था जैसा भी कुछ साल पहले दो हज़ार तेईस में वनडे की सेंचुरीज़ का वेट हो रहा था वैसे ही टेस्ट की सेंचुरीज़ का भी बेहद शिद्दत के साथ वेट किया जा रहा था और वो वक्त आया फैंस के लिए कोहली के लिए क्योंकि फाइटर हैं वो और एट्टी सेंचुरी उन्होंने अपनी बनाई और बहुत ही प्यारी इनिंग खेली और ये इसमें खाली उनका फ़ायदा नहीं है ये मेरे हिसाब से टीम का बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि कोहली का फॉर्म में आ जाना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनके बहुत फेवरेट आ, कर, कंट्री रही है परफॉर्म करने के लिए दस आ, मतलब सेंचुरी शायद मार चुके हैं काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ रिकॉर्ड उनका ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है उनका और काफ़ी पसंद उनका ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में खेलना और उस एग्रेशन के साथ खेलना जो ऑसी असीज के लिए चैलेंज बन जाता है तो कोहली ने शो बनाई और काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे मैं तो बहुत शिद्दत से कर रहा था तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत टाइम बाद उनको वाइट्स में एक सेंचुरी बनाते हुए देखा और उनका सेलिब्रेशन देखा तो काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ ये ये सेलिब्रेशन हमें इस सीरीज इस में और बहुत बार देखने को मिले तो वो जो ड्राउट था उनका वो ख़त्म हुआ फिर बात करते हैं देखिए ध्रुव चुरेल इस बार कुछ खासी परफॉर्म मतलब इम्प्रेस नहीं कर पाए मे बी शायद एक मैच है ठीक है आप इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते और सुंदर ने ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जितना उनको मौका मिला उसमें नीतीश रेड्डी ने बहुत ही इंप्रेसिव बल्लेबाजी सेकेंड इनिंग में भी और एग्रेसिव अप्रोच के साथ जैसा कि उनको टीम मैनेजमेंट ने बोला होगा जसवीर बूम्बा को बाहर देख रहे थे लोग तो काफ़ी दिख रहे थे वो कि जल्दी डिक्लेयर करना चाहते हैं इसलिए कोहली ने और नितीश रेड्डी ने काफ़ी तेज़ इनिंग्स खेलें और जब कोहली ने अपनी सेंचुरी बनाई तो उन्होंने उनको वापस बुला लिया डिक्लेयर कर दी फिर बात करते हैं थे कि बॉलिंग के बहुत ही स्मार्ट डिसीजन क्योंकि जसप्रीत बुमराह की मैं एक चीज़ का फैन हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एज अ बॉलर तो मैच्योर हुए हुए हैं बट वो एज अ प्लेयर भी मैच्योर हुए हैं जो उनकी कप्तानी में दिखा आपको जिन्होंने डिसीजनस लिए वो काफी अच्छे दिए जैसे उन्होंने जब सेकेंड इनिंग की शुरुआत करी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब बॉलिंग डाली तो उन्होंने कुछ आधा घंटा बचा था उसमें डालने की कोशिश करी क्योंकि एक तो बॉलर्स में काफ़ी एनर्जी थी और दो दो ओवर ही डालने थे तो वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ ओवर डाल सकते थे और उसका फ़ायदा मिला दो विकेट जसप्रीत जसपी ने लिए पैट कमिन्स आए थे नाइट वॉचमैन बन के काफ़ी हालांकि ठीक ठाक बैट्समैन है पेट कमिनस तो सिराज ने उनका विकेट लिया तो तीन विकेट ले दिया उन्होंने तो वो एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि उससे थोड़ा सा क्या मुराल डाउन हो जाता है सामने वाली टीम का तो ऑस्ट्रेलिया भी शायद बैकफुट फुट पर चली गई थी थोड़ी फिर नेक्स्ट दिन की शुरुआत होती है हेड और स्मिथ हेड जो कि एक राहू की तरह है इंडियन टीम के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं वो इंडियन टीम और एक चैम्पियनशिप के बीच में तो वो इस बार भी खड़े थे और स्मिथ थे स्मिथ को तो हालांकि काफ़ी जल्दी निपटा दिया था सिराज ने बट हेड बहुत परेशान कर रहे थे हेड और मिचिल मार्श की काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी बट हमारे सिराज भाई कहते हैं कि जसप्रीत भाई इज़ अ गेम चेंजर तो जसप्रीत भाई फिर आए फिर उन्होंने हेड को एटी नाइन पे आउट किया और तो देखिए इसमें तारीफ़ करना चाहूँगा हेड की कि उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली और मिचिल मार्श को नितीश रेड्डी ने अपना डेब्यू विकेट लिया उसके बाद एलेक्स कैरी ने भी थोड़ा सा वहाँ पर डटे रहने की कोशिश करी तो वाशिंगटन सुंदर ने बीच में दो विकेट लिया और हर्षित राणा ने एलेक्स कैरिक आउट करके जो लास्ट इन द कॉफन थी वो लगा दी तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा शुरुआत हुई है इस टेस्ट सीरीज़ की जैसा कि टेस्ट क्रिकेट प्रेमी लवर्स जो होते हैं वो चाहते हैं वैसी शुरुआत हुई है मेरे हिसाब से और अब अफसोस ये हो रहा है कि यार दस दिन का गैप दे दिया दूसरे टेस्ट में तो वो एक थोड़ा सा कमी लग रही है क्योंकि हम मिस कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट शुरू हो चुका है सीजन है एक छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं ना और वो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं वो सारे एक्सपर्ट होते हैं तो वो लोग ये कह रहे थे काफ़ी लोगों के मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था बयान पढ़ रहा था काफ़ी आर्टिकल से कि इंडिया जो है वो नील से हारेगी तो देखिए उन लोगों की एक्सपर्टीज़ पर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा दिया है क्योंकि हमारे एक अंकल हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि क्रिकेट इज़ अ ब्लडी चूतिया गेम क्योंकि आप कभी भी कोई भी चीज़ श्योरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यही होगा जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि फ़ोर जीरो से जीतेंगे थ्री ज़ीरो से जीतेंगे और फाइव ज़ीरो से भी जीत सकते हैं मतलब इस टाइप के प्रडिक्शंस करे जा रहे थे तो रिक्वेस्ट करूँगा सब क्रिकेट लवर्स से कि क्रिकेट क्या है काफ़ी ट्रिकी गेम है आप इतना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते जो भी उस दिन बेहतर खेलेगा वो जीतेगा और टेस्ट मैच में पाँच दिन होते हैं आपके पास अच्छा खेलने के लिए तो जो उन पाँच दिनों में अच्छा खेलेगा वो जीतेगा इसलिए प्रोटिक्शन छोड़िए क्रिकेट को इन्जॉय करिए टेस्ट मैच को इन्जॉय करिए अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करिए और जीतने की दुआएं करिए वो इम्पोर्टेंट है और गेम को इन्जॉय करिए और अगर आप लोगों को मेरी कमेंट्स या मेरा जो एनालिस्ट जो मैंने किया है एनालिसिस वो अच्छा लगा हो तो उस पर कमेंट करें अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी कमेंट करें कुछ पॉइंट आप लोगों को लगते हैं तो वो कमेंट करें और मेरे वीडियोस को लाइक like करें सपोर्ट करें और उम्मीद करूँगा आप लोगों से अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे इनपुट्स मिलेंगे ताकि इस तरह के आगे वीडियो और बनाते रहें